नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आज मैं इस वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ भारत की खिचड़ी। ये पर सिर्फ खिचड़ी का ट्राई करने पर ये वीडियो ज्यादा मजेदार नहीं होगा। तो आज मैं भारत की ये खिचड़ी है और मेरे देश जापान की ये खिचड़ी, ये दोनों खाकर तुलना करके आपको इन दोनों का अंतर बताना चाहता हूँ। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों में से कौन सी खिचड़ी ज्यादा अच्छी है। भारत की खिचड़ी ये एक ऐसी आहार है जो तब खाई जाती है जब तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये चावल और हल्के मसाले से बनती है, एकदम प्लेन होती है, तो ये पाचन के लिए बहुत बढ़िया है। खिचड़ी ये खराब हुए पेट के लिए भी काफी नरम है और मेहरबान है। और एक्चुअली जापानीज खानों में भी एक ऐसा आहार है, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है तरा, इसे हम लोग जापानीज में कहते हैं ओकायू, ओकायू, ओकायू। ये हम लोग जापान में जब तबीयत बराबर नहीं है तब खाते हैं ज्यादातर। इसे बनाने का तरीका भी खिचड़ी से काफी मिलता जुलता है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें भारत का मसाला नहीं है, सिर्फ चावल, पानी और थोड़ा सा नमक उनसे बनता है। और हम लोग इसे ज्यादातर सोल्टेड प्लम के साथ खाते हैं। सोल्टेड प्लम, इसे हम लोग जापानीज में कहते हैं उमेबोशी, उमेबोशी। यस, ये तो पैकेज्ड वाला है। पर मेरे बचपन में जब मेरी तबीयत बराबर नहीं थी, ठीक नहीं थी, तो मेरे माता जी ये बनाया करते थे, बचपन की याद आ गई। तो हम लोग देखेंगे इन दोनों में क्या क्या अंतर है, फर्क है और कौन सा ज्यादा बेहतर है, ठीक है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। देखिए अभी मेरे पास दो प्रकारों की खिचड़ी है, एक है जापानीज खिचड़ी और यह है भारत की खिचड़ी। तो सबसे पहले मैं अपने देश जापान की खिचड़ी से खाना शुरू करना चाहता हूँ। देखिए एकदम सादा है, इसमें सिर्फ पानी है, चावल है, थोड़ा सा नमक है। देखिए ये भी मैंने डाल दिया है इसमें। यह है उमेबोशी, उमेबोशी जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया आपको। खाना शुरू करता हूँ। इतादाकिमास। चीयर्स। वाओ, वाओ। बचपन की याद आ रही है, बहुत बढ़िया। मुझे मालूम नहीं है कि ये इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ चावल है, पानी है और नमक है, तो इतना ज्यादा बढ़िया कैसे बन सकता है। ये उमेबोशी है, इसका स्वाद भी खाकर बताता हूँ आपको। उमेबोशी ना, उमेबोशी बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है, खट्टा, बहुत ज्यादा खट्टा होता है। उमेबोशी को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग? अमला कहते हैं क्या? अमला कुछ अलग है ना। उमेबोशी को अंग्रेजी में कहलाता है सोल्टेड प्लम, तो ये एक प्रकार का प्लम है, प्लम। और प्लम को हिंदी में अमला कहते हैं ना, तो नमक से स्वाद लगा हुआ अमला। अभी मैं इसे खाना शुरू करता हूँ। भारत की खिचड़ी दिखने में ऑलरेडी काफी अंतर है ना। ये देखकर मुझे लग रहा है कि इसमें कई सारे प्रकारों के यानी विभिन्न मसाले डाले हुए होंगे। इतादाकिमास। वाओ, वाओ। सबसे बड़ा अंतर है कि इसमें विभिन्न प्रकारों के मसाले और उसकी वजह से इस खिचड़ी का स्वाद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये खाने में ज्यादा मजा आता है। काफी सारी सब्जियां भी हैं इसमें, अभी तक मुझे दिखाई दी है टमाटर और ये कौन सी सब्जी है मालूम नहीं है इसका नाम मुझे, पर कुछ कुछ सब्जियां हैं इसमें। ये चावल है ना, चावल, इसका बनावट बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। और देखिए ये भारत की खिचड़ी के साथ ये पापड़ है ना, ये टूटा हुआ पापड़, ये भी दिया हुआ है, शायद ये इस खिचड़ी के साथ मिक्स करके खाना होगा। ऐसा सही है, खाने का तरीका सही है, आप बता दीजिए प्लीज। वाओ, क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़। हरी मिर्ची, ज्यादा तीखा है मिर्ची, हरी मिर्ची।
पानी चाहिए मुझे, काफी अच्छा है, काफी अच्छा। नमस्ते दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर लेना प्लीज। और इस खिचड़ी के साथ ये भी दिए हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है पिकल, अचार कहते हैं ना, अचार हो गया। और ये है दूसरा गुरु, गुरु आई डोंट नो व्हाट दिस इज, मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या है। पिकल का ट्राई भी करेंगे है ना, हम लोग देखेंगे इसका कैसा स्वाद है। इतना बहुत है ना, काफी तीखा सा लग रहा है दिखने में, और ये शायद मिक्स करके खाना होगा ऐसा। ज़्यादा स्पाइसी हो गया पर बहुत अच्छा है, टेस्ट बढ़ गया और भी बेहतर हो गया। हरी मिर्ची, दूसरी बार आज हरी मिर्ची, हम लोग जापान में नहीं खाते हैं ना। और देखिए ये भी मिक्स करके खाता हूँ खिचड़ी के साथ है ना। तरकिमास। मुझे मालूम हुआ अभी, ये मिठाई है मिठाई, चावल के साथ खिचड़ी के साथ मिक्स करके नहीं खाना चाहिए था, सिर्फ ये खाना होता है ऐसा। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज मैंने इस वीडियो में ट्राई कर ली है भारत की खिचड़ी, वो खाने पर मुझे बहुत मजा आया, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा आप एक बात बता दीजिए, आपको किस फ्लेवर, किस स्वाद, स्वाद कहते हैं क्या फ्लेवर को, किस फ्लेवर की खिचड़ी पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। विभिन्न खिचड़ियां होती है ना, जैसे पालक वाली खिचड़ी है और क्या क्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए ठीक है। इफ यू लाइक माई हिंदी एंड वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ठीक है। यार सब्सक्राइब तो कर लेना प्लीज। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, सेयोनारा सेयोनारा सेयोनारा।